फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 पीआरटी फर्स्ट टू फिफ्थ का आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ कितना जाएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं। ये फ्रेंड्स मैंने बीपीएससी ऑफिस से पता किया है, उन्होंने क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आंसर की जारी होने से पहले जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था फ्रेंड्स, ये कुछ लोग बता रहे थे कि 80 से 85 के बीच में रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स 5 नंबर कमा है। देखिए, अगर आप जनरल से हो फ्रेंड्स, आपका मेल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ, जनरल मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है ये 75 से 80 के बीच में रहेगा। अब किसी का 75 पर भी होगा तो किसी का 77 पर भी होगा, कैसे होगा समझे समझिए। मान लीजिए आप 25 साल के हो, ठीक है ना, आपका नंबर 25 साल के हो फ्रेंड्स, आपका 77 नंबर आया है 120 में से। वहीं पर आप कोई स्टूडेंट 30 साल का है और उनका 75 आया है, तो 75 वाला जिनका कम नंबर है, एज ज़्यादा है, उनको पहले जॉब देंगे। ये एज का भी यहाँ पर वेरी करता है, और ये भी पिछले टीआरई 1 में भी ऐसा ही हुआ था खेल, तो ये खेल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अब हम समझते हैं जनरल फीमेल कैंडिडेट का। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी के सभी फीमेल कैंडिडेट के स्टूडेंट, चाहे वो सॉरी जनरल से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्व एंड रिजर्व के लिए 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है बिहार में, तो जनरल फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है ये फ्रेंड्स 70 से 75 के बीच में रहने वाला है। अब जिनका कम एज है, ज़्यादा स्कोर है, तो उनको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका एज 25 साल हो रहा है और आपने लाया है मान लीजिए 73 नंबर, और कोई 35 साल का फीमेल कैंडिडेट है, उनका आया है 70 नंबर, तो उनको पहले जॉब देंगे। ये खेल है, आप समझिए। तो 70 से 75 के बीच में रहेगा यहाँ पर जनरल फीमेल का। अब हम समझते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, ये आपका जो है 70 जाएगा, 70, ठीक है, 70 से 65 के बीच में रहेगा। और फीमेल का जो है वो 2-3 नंबर कमेगा, मतलब यही लगा लीजिए 65 से 70 के बीच में रहेगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाता है। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर आप ईबीसी कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच में ही रहेगा। 65 पर भी किसी का होगा जिनका ज़्यादा एज हो रहा है, तो किसी का 68 पर भी होगा जिनका कम एज हो रहा है। बाकी जो एससी कैटेगरी से है उनका कट ऑफ फ्रेंड्स 60 से 65 के बीच में रहेगा। 60 पर उन्हीं का होगा जिनका एज ज़्यादा हो रहा है, निकलने वाला एज, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का जो 25 एज हो रहा है, तो वही 65 लगा लीजिए, एससी का 65 जाएगा, एसटी का 60 जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एसटी के बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उतना सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, वहीं पर फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बीसी वन का। तो बीसी वन का कट ऑफ जो है ईबीसी से ज़्यादा जाता है, मतलब बीसी वन का कट ऑफ जो है वही 70 रहेगा, 65 से 70। अब हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ 55 रहेगा, फिजिकल डिसेबिलिटी और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का जो कट ऑफ है ये 60 जाएगा। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।